आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्बिया वीज़ा से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये एक नोटिस आया सर्बिया वीज़ा की तरफ से, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये बताया इन्होंने सर्बिया की तरफ से, जो उनकी इमिग्रेशन है, कि जो इंडियंस को पहले वीज़ा मिल जाता था उनको, वो अब सर्बिया गवर्नमेंट इसको बंद करने जा रही है, क्योंकि वहाँ से क्या होता था कि काफ़ी इंडियंस यहाँ से सर्बिया जाते थे और वहाँ जा कर के उन्हें वीज़ा मिल जाता, वीज़ा ऑन अराइवल था इंडियन के लिए। तो वहाँ जाने के बाद वो डंकी लगा करके आगे निकल जाते थे शेंगेन कंट्री में किसी में भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होने लग रहा था ऐसा, तो जिसकी वजह से उन्हें अब ये स्टेप उठाना पड़ रहा है कि अब वो इंडियंस के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल बंद करने जा रहे हैं। यूरोप में सिर्फ सर्बिया ही एक ऐसी कंट्री थी जो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दे रही थी, मगर अब वहाँ पे इंडियंस की इतनी ज़्यादा वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। तो अभी ये 1 जनवरी से ये वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल बंद कर देंगे, और इसके बाद आपको अगर सर्बिया जाना है तो सर्बिया की जो दिल्ली एम्बेसी है वहाँ से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सर्बिया जा पाओगे। अगर किसी इंडियंस के पास पहले ही शेंगेन वीज़ा है या यूके का वीज़ा है या अमेरिका का वीज़ा है, तो उनके लिए सर्बिया वीज़ा ऑन अराइवल देगा 90 डे का, मगर अब जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है और वो इंडिया से, उनका वीज़ा ऑन अराइवल 1 जनवरी 2023 से सर्बिया बंद करने जा रही है। तो ये अपडेट है जो सर्बिया के लिए आई थी।